Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. خواہش کہوں سے یا تم مدد کرو سے دل بے قرار ہے دل بے قرار ہے تو محبت کہو اسے خواہش کہوں سے یا تم مدد getting late wahan aa jana wahi baith ke baat karo nahi munib ye qissa yahi shuru hua hai to khatam bhi yahi karenge ye kya hai us ghar mein aisi aag lagi hai jo sab kuch jala kar raakh kar degi sab kuch dekhne ke baad bhi सारे सबूतों के बावजूद यकीन नहीं आ रहा मुझे ये देखो तुम्हें आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जाने ही छोड़ूंगा तुम्हें गलत हो अरे तुम जाओ यहां से मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम कुछ छुपा रही हो हानिया मैंने ऐसे ही बोल दिया था अब्बा जी मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि अगर बीवी को कोई परेशानी होगी तो उसका शौहर ही सबसे पहले उसको समझेगा ना शौहर अगर बीवी का मसला समझ सकता तो बीवी दूसरों पर बिला वजह चिल्ला नहीं रही होती समझना तो दूर की बात है यहाँ तो शौहर बीवी की तरफ नजर उठाकर देखता भी नहीं देखो हानिया बेटा जब तुम इस जैसी औरत को समझा बुझाकर इस घर में ले आई हो तो हिना की थोड़ी बहुत तो समझ तुम्हें आ ही गई होगी बेटा तुम रात दिन उसके साथ रहती हो कुछ तो बताया होगा उसने तुम्हें माँ जी सिर्फ शॉपिंग के लिए साथ निकलते थे हम और सारा वक्त कपड़े जूते ज्वेलरी इन चीजों की बातों के अलावा और कोई गुफ्तगू नहीं होती थी हमारे बीच और अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझसे पहले आप लोगों से शेयर करती मुझे मिले हुए तो उन्हें 15 दिन हुए आप लोगों के साथ तो 15-20 सालों से रह रही है वो इसीलिए तो कह रही हूं बेटा कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो वो हमें नहीं बता सकती ऐसी क्या बात हो सकती है बेटा यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं अब्बा जी आप सिर्फ मुझे परेशान कर रहे हैं और कोई बात नहीं ठीक है बाबा हम नहीं करते तुम्हें परेशान मत दो हमारे साथ परेशानी बस अब्बा जी मैं आपको समझाने की कोशिश तो कर रही हूँ कि परेशानी की कोई बात है ही नहीं इट्स जस्ट मूड स्विंग किसी भी वजह से हो सकता है कोई बहुत मामूली सी बात भी हो सकती है बेटा एक उम्र गुजरी है हमारी उसके साथ लेकिन इस दफा उसका अंदाज कुछ और ही है मुझे तो लगता है माँ जी आप बिला वजह में स्ट्रेस ले रही और आपको देख देख के ना अब्बा जी भी परेशान हो रहे हैं हाँ हाँ तुम भी कहो इस घर में जो बुराई है जो परेशानी है उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ और बाकी सब ठीक है माँ जी आई एम सॉरी माँ जी ऐसी तसल्ली देने के लिए बोल दिया था आपको देखो बेटा तुम जहां दीदा हो जहीन हो लेकिन मैं उम्र में तुमसे दो गुना बड़ी इस घर के लोगों को मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हूँ यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको आप उन्हें मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हैं ऐसा क्या है जो मैं आपको बताऊंगी
अगर मैं तुमसे ये कहूं कि उसका मसला तुम हो तो? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि वो तुम्हें इस घर में मजीद नहीं देखना चाहती तो? लो खुदवार जी, न तुमने इसकी जबान, अब इसके मुंह में जो आएगा वो बोलती रहेगी। जो नजर आ रहा है मैं वही कह रही हूँ अहमद अली। आखिर वो क्यों बड़ी अम्मा बनकर इसकी शादी कराना चाहती है? क्यों वो कभी आपके पास जाती है, कभी मुझे रिश्ते गिनवाती है, क्यों? दो सारी कहानी बदल डाली तुमने। सुबह तुम कह रही थी कि उसको तुमसे कोई मसला है, और दोपहर को तुमने ऐसा शख्स जाहिर किया जो जबान पर लाया नहीं जा सकता, और शाम को तुम कह रही थी कि मियां बीवी के दरमियान कुछ चल रहा है, और अब इन दोनों के दरमियान तुम झगड़ा डाल रही हो। सच कहा है कि औरत जो है ना अकल के बजाय गुर्दे से सोचती है। इन सारी बातों के ताने बाने एक दूसरे से मिलते हैं अहमद अली। औरत की नजर से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। बेटा तुम मुझे बताओ कि औरत होने के नाते तुम ये सब कैसे देखती हो? तीन बातें तो उन्होंने आपको बता दी, चौथी मैं क्या बताऊं आपको? तुम मुझे वो बताओ जो सच है। सच ये है कि आप ख्वामखा परेशान हो रहे हैं और कोई बात नहीं है, और अगर आप ऐसे ही परेशान होते रहना तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। कब से चल रहा है सब कुछ? मुनीब तुमसे बात कर रही हूं, बेहतर यही है कि तुम इसी टोन में मेरी आवाज सुन लो। चीखूंगी तो तुम्हारे लिए बुरा। वैसे ये किस्सा वो नहीं है जो लोगों ने तुम्हें देख देख के बनाया, और वो भी नहीं है जो मैं अब तक देखती और सुनती आई। चक्कर तो कोई और ही है। बहुत पहले से चल रहा है ना तुम्हारा अफेयर उसके साथ। तुम दोनों की लव स्टोरी तो काफी पुरानी है, इसी की बेस पे तुमने कनाडा इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई किया था। हाँ? क्या ऐसे क्यों देख रहे? तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। इतने कच्चे नहीं हो तुम के तीन महीने में कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में ये जगह ले ले। ये तो बहुत पुरानी लव स्टोरी है, और इसी के लिए तुमने मुझे इस घर से निकाला। तुम गलत गलत तो मैं ये सब कुछ भी समझ रही थी जो मेरे सामने पड़ा हो। खुदा की कसम मत कहो झूठी कसमें मुनीब। आप भी छुपाओगे मुझसे? इसके बाद क्या छुपाऊंगा तुम? बहुत परफेक्ट प्लानिंग की तुम दोनों ने। पहले मेरे गले में मेरे बच्चों का फ्यूचर लटका के मुझे इस घर से निकाला, और फिर तुम्हारे बाप की जरूरत बन के हानिया मेरे घर में दाखिल हो गई।
कनाडा जाने का प्लान मेरा नहीं तुम्हारा। किसको किस तरह किस बात में मजबूर करना, ये फनकारी तुमसे बेहतर कौन जानता। कभी रैंसम, कभी डाका, कभी हालात, ये कहानियां तुम ही मुझे आके सुनाते थे ना, ताकि मैं डर के अपने बच्चों को लेके यहां से भाग जाऊं और फिर मुझे सामान समेत मेरे बच्चों के साथ वहां फेंक कर माँ बाप के बहाने तुम वापस आ गए और आके तुमने हानिया को यहां सेटल कर दिया। क्या खूब सेटल किया। तुम्हारे घर की मालिक, ऑफिस के एग्जीक्यूटिव, तुम्हारे दिल की मालिक, और मैं कनाडा में दो कमरों के फ्लैट में सर्दी में ठिठरती हुई तुम्हारे बच्चों की आया। ठीक है, बहुत मुबारक हो मुनीब साहब, बहुत मुबारक हो आपको आपकी नई जिंदगी, बहुत मुबारक हो। मुनीब बेटा। जी अब्बा। वो लड़की इंतजार कर रही है कब से, शायद देर हो रही है तुम लोगों को। अब्बा अभी फ्लाइट लेट है थोड़ी सी, आप उससे कहें वो कमरे में जाके आराम से बैठे। ठीक है बेटा। क्या कहा उन्होंने अब्बा जी? तुम जाओ और जाके अपने कमरे में आराम से जाओ। क्यों अब्बा जी? मुझे लगता है शायद उसकी बीवी ने उसको रोक लिया है। देखो हिना, इन लोगों को किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज। मैं भी यही चाहती हूँ, वरना ये सब कुछ जो यहां बिखरा पड़े तुम्हारे लाउंज में पड़ा होता। तुमने जाना है तो तुम जाओ, बिल्कुल जाओ, लेकिन ये सोच लेना कि उसके शक का डंडा जो है वो मजबूत हो जाएगा, टूट जाऊंगा मैं, बिखर जाओगी तुम भी। या तुम आदत कहो से, ख्वाहिश कहो से, या तुम आदत कहो से। मैं तो जा रही हूं। सुनो, तुम जाके एक दफा बात कर लो ना उससे। मेरी बात हो चुकी है उनसे अब्बा जी, मुझे नहीं पता उनका क्या प्लान है और उनको डिसाइड करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन मेरी मीटिंग फिक्स है। वो कनाडा नहीं जा रहा, तो फैसला बाद चला जाएगा। उन्हें डिसाइड करने में देर हो जाएगी और मेरी आखिरी फ्लाइट है, निकल गई तो मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगी। अच्छा है, तुम जाके खुद उससे बात कर लो। अब्बा जी आप बस बता दीजिएगा उन्हें, बात क्या करूं। मैं कोई डाकिया नहीं ना इधर, जो तुम लोग की चिट्ठियां लाता और ले जाता रहूं। बात करो उससे।
मुनीब, बात करो उससे। पहले हम अपनी बात तो कर लो। हमारी कोई बात नहीं होगी, खत्म हो गई सारी बात। मुनीब बात करो उससे, तुम्हारा बाप फिर आ जाएगा अपनी बेटी की परेशानी लेकर। हेलो हेलो, क्या प्लान है आपका मुनीब साहब? मैंने बता दिया ना अब्बा जी को, अब्बा जी ने तुम्हें बताया नहीं? वो तो कह रहे हैं कि शायद आप जा ही नहीं रहे। ओहो, मैंने उनसे कहा था कि फ्लाइट डिले हो गई है, अभी तुम आराम से अपने कमरे में बैठो। हाँ तो मैं तो अपनी फ्लाइट पकड़ सकती हूँ ना। हम दोनों में से फिलहाल कोई नहीं जा रहा। क्या हो गया है मुनीब साहब आपको? प्लीज मुझे जाने दें। कह दिया ना मैंने कि अभी कोई नहीं जा रहा, सुबह बात करते हैं। अब तुम इसके साथ अपना हनीमून प्लान करो, लाइफ प्लान करो, जो दिल करता है करो, और कनाडा को भूल जाओ, क्योंकि वहां तुम अब कभी नहीं होगे। कहां जा रहे हो? तुम क्यों पूछ रहे? कोई हक नहीं है तुम्हारे पास अब पूछने का। इतना क्या? हाथ छोड़ो मेरा। मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ छोड़ो मेरा हाथ। मेरी एक मर्तबा मैं कह रही हूँ, मेरा मैं हाथ सच सच तुम्हें मुनीब मेरा हाथ छोड़ दो वरना मेरा हाथ ना उठ जाए। क्या करोगे तुम? मारोगी मुझे? अगर ऐसा हुआ ना, इसकी आवाज तुम्हारे बाप तक जाएगी, तुम्हारे पिटने का शोर तुम्हारी बीवी तक पहुंचेगा। मत करो मुझे मजबूर, क्योंकि मुझे इस रिश्ते की अब बेइज्जत है जिसपे तुमने थूक दिया। मैं चाहती हूँ हम डिग्निटी और खामोशी से इसे खत्म करें। बचाएंगे ये तुम्हें? कब तक बचाएंगे तुम्हें? इन्होंने मुझे नहीं, तुम्हें बचाया एक बार, तुम्हें एक मुर्दे का गला घोट कर फांसी चढ़ने से बचाया इन्होंने। तुम मरी हुई हो, मरी हुई हो तुम। तो अपनी सड़ी हुई लाश लेके बदबू क्यों फैला रही हो मेरे घर में? तुम मेरे कातिल हो, एक बार मेरी सड़ी हुई लाश की बदबू तुम्हारी सजा। जल्द दफना दूंगा तुम्हें मैं। मैं भी यही चाहती हूँ, तुम मुझे दफना कर मेरी बच्चियों की जिंदगी से दफा हो जाओ, ताकि ये उस बंगले में पहुंच जाए जिसके तुमने खाब देखे के लिए। अरे भैंस, तुम्हें इनके साथ उस बंगले में जाने में क्या तकलीफ है? क्यों तुम्हें समझ में नहीं आती भैंस की बच्ची? मेरी बच्चियां उस बंगले में यतीम बनकर तो जाएंगी, लेकिन मुजरिम बनकर नहीं। जुर्म मैंने नहीं, तुम्हारे भाई ने किया। मुनीब भाई की चोरी मुनीब भाई जाने, तुम क्या हो, एक दो टके के चुगलखोर? मेरी लगाई हुई कालक तो तुमने साफ कर ली है, लेकिन उस कालक का क्या करोगे जो खुदा एक चुगलखोर के मुंह पे मलता है? क्या करोगे?
अच्छा मैं ये ना करता हुँ? और वो लड़की तुम्हारे माँ बाप का गला घूंट कर चली जाती तब तुम्हें पता चलता? उसके घोटने से पहले तुमने उनका गला घूंट दिया। मैंने ऐसा किया ना? ठीक किया मैंने। हक बनता था मेरा कि मैं उनका गला घोंट दूं, इसलिए कि उन्होंने तुम्हारा फंदा जो मेरे गले में डाल दिया भैंस। सो गई हो क्या? सोच रही हूँ। क्या? यही कि नफीसा ने इतने दिनों के बाद फोन क्यों किया था? वो तो जब हम फोन करती है तब भी हमसे बात नहीं करती। उसने हिना के लिए फोन किया था, तुम्हारे लिए नहीं। हाँ, इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ कि क्या परेशानी थी उसे, क्या जरूरत आन पड़ी थी फोन करने की। हो सकता है उसने हिना की परेशानी के लिए फोन किया। ओहो, आपने तो जैसे कसम खा रखी है कि नफीसा के बारे में इतना सा भी नहीं सोचेंगे कभी। देखो, अगर मैंने नफीसा के बारे में सोचना शुरू कर दिया ना आशा बीबी, तो नफीसा जो है ना वहां से पहले बेहो हो जाएगी। उसकी असल परेशानी मानूस इकबाल है, उसको खत्म करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप उस वक्त का इंतजार करते रहे जब तक वो खुदा ना करे बेवा ना हो जाए या अल्लाह ना करे मर ना जाए। तुम पहले उस परेशानी के बारे में सोचो जो तुम पर आने वाली है। मुझे तुम्हारी तीसरी बात ठीक लगती है। कौन सी बात? यही कि हिना का असल मसला हानिया है। चलो उठो, अंदर आओ। खाम खा, बाकी का भी खून ये मच्छर चूस लेंगे। अंदर आऊंगी तो ये घर काटेगा मुझे। कम ऑन यार, गेट अप, उठो। क्यों रोका था आपने मुझे? इसलिए कि मैं भी कहीं नहीं जा रहा। आप मेरे लिए नहीं, अपनी बीवी की वजह से नहीं जा रहे। अच्छा, तो तुम क्या हो मेरी? मैं तो चोरी हूं आपकी, और चोरी को ना छुपाया जाता है, इसलिए प्लीज। अच्छा यही होगा कि आप मुझे छुपने दें। तुम मेरी मोहब्बत हो, और मोहब्बत साथ देती है। साथ ही तो दे रही हूं मैं आपका, क्योंकि आप पे ना छापा पड़ चुका है मुनीब। पकड़े जाने वाले हैं आप। आपकी बीवी को जिस बात का यकीन है ना, उसने आपके माँ बाप को भी इसी शक में डाल दिया। आज जो ड्रामा हुआ है ना मुनीब, उसका नतीजा उन्होंने ये निकाला है कि हिना मुझे इस घर से निकालना चाहती है। फर्ज कर लो कि अगर ऐसा ही है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम घर छोड़ के चली जाओ। मैं अपनी माँ के घर से इसलिए भागी थी क्योंकि उसके शौहर पे बोझ थे। अपने बाप का घर इसलिए छोड़ा मैंने क्योंकि उनकी बीवी यही चाहती थी। मैं किसी पे बोझ नहीं बन सकती मुनीब। दो चार दिन के लिए फैसलाबाद जाने से यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। लेकिन कम से कम वो बात तो सामने आ जाएगी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। मैं क्या छुपा रहा हूँ तुमसे? यही कि आपके और हिना के बीच मुझे लेके क्या चल रहा है। और बाय द वे क्या चल रहा है हम दोनों के दरमियान? वही जो आप मुझसे छुपा रहे हैं मुनीब। अरे पागल हो गई हो तुम, इतनी छोटी सी बात छुपाऊंगा मैं तुमसे? जैसे आप मुझे उनसे छुपा रहे हैं ना, वैसे ही आप उन्हें भी मुझसे छुपा रहे हैं। देखो,
मैं कोई खान वडेरा या चौधरी नहीं हूं जो अपनी पहली बीवी को थप्पड़ मार के खामोश करवा लूंगा। जब उसके इल्म में ये बात आएगी ना तो फट जाएगी वो। ये सब क्या था मुनीब जो आज हुआ? यार वो जोर लगा रही है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। वो कंफर्म करना चाहती है हमारे रिश्ते को हमारी जुबान से। वो तो अपने शक का डंडा चलाएगी ना। तुम क्या चाहती हो? मैं डर कर कन्फेस कर लूं ये सब कुछ तो क्या होगा? तुम तो चली जाओगी, ये घर छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाओगी जैसे उनका घर छोड़कर आई थी तुम। देखो मोहब्बत जो है वो किचन के खानों और बेडरूम की अटकेलियों का नाम नहीं है, किसी बेंच की सरगोशी या पार्क की वॉक नहीं है। मोहब्बत साथ देने का नाम है, सपोर्ट का नाम, स्ट्रेंथ का नाम। जब कोई औरत किसी से प्यार करती है ना तो फिर उसकी सास के रवैये और सौतन की गालियां इन सब चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखती है, बर्दाश्त करती है सब कुछ। तुमने जाना है तो तुम जाओ, बिल्कुल जाओ, लेकिन ये सोच लेना कि उसके शक का डंडा जो है वो मजबूत हो जाएगा और जब वो मेरे सर पे पड़ेगा तो टूट जाऊंगा मैं और बचेगा तुम्हारा भी कुछ नहीं, बिखर जाओगी तुम भी। मुझे तलाक चाहिए अभी और इसी वक्त। क्यों जाऊं?
मुनीब मैंने कहा ना जाओ यहां से। मैं दफन कर चुकी हूं तुम्हें, मुझे अकेले बैठकर इसका शोक मनाने दो। कोई ताल्लुक कोई रिश्ता नहीं है तुमसे। एक बात तो सुन लो, जाओ यहां से। दिल खराब होता है तुम्हारी शक्ल देखकर। मुनीब, मुझे तलाक चाहिए अभी और इसी वक्त। तलाक तो मुझे। एक बात सुन लो, कातिल को भी एक बार सफाई देने का मौका जरूर दिया जाता है। तुम कातिल नहीं हो, मर गए हो मेरे लिए मुनीब, और अब मुझे तुम्हारी बदबूदार सड़ती हुई लाश से छुटकारा चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर ऐसा ही सही। अगर तुम समझती हो मुझे तुमसे प्यार नहीं है तो ठीक है, मुझे मर जाना चाहिए। प्लीज ये धमकियां उसको जाके दो जो मोहब्बत से मजबूर होके तुम्हारे पांव पकड़ेगी। मैं तो खुद तुम्हारा गला घोंट देती अगर मुझे तुमसे जरा सी भी मोहब्बत होती। लेकिन मुझे तो तुमसे मोहब्बत है ना। मुनीब लतीफे मत सुनाओ, ये जान उनके लिए संभाल के रखो जिन्हें चाहिए, मुझे तुमसे सिर्फ तलाक चाहिए। तुमने जो कुछ भी उठाकर मेरे मुंह पे मारना है मार, लेकिन सच तो यह है कि मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम तलाक मांग रही हो मुझसे, जबकि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैंने जो कुछ किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार में किया है। बस कर दो, उपकाइयां आ रही हैं तुम्हारी बदबूदार बातों से। खुदा के लिए मुनीब यहां से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। I love you. I swear I love you. Shut up, will you? तुम जिसकी कसम खत, मुझे अपने बच्चों की जान की कसम है, मुझे हार इस। Don't you dare! Don't you dare bring my kids into this. तुम अब मुझसे मेरे बच्चे भी छीनना चाहते हो? यानी मेरी मेरे बच्चों के साथ जो मोहब्बत है उसका भी यकीन नहीं तुम? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसी बातें ना करो प्लीज। अरे मेरी बच्चे तो मेरी जान है, मेरी सांसें है, मेरा सुकून है, मेरी खुशी है, सब कुछ छिन जाए लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। बंद करो बस अपनी ये बकवास। मत लो मेरे बच्चों का नाम, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी खुशी जिसमें है ना, उसे ये बातें सुनाओ जाओ। कैसे समझाऊं तुम्हें? आई डोंट लव हर, मैं प्यार नहीं करता हूं उससे। बाबा मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हारी खुशी तुम्हारे आराम के लिए किया है, ट्रस्ट मी। विल यू शट अप? अपने लस्ट को मेरी जरूरत का नाम मत दो। लस्ट? तुम इसे मेरी लस्ट समझ रही हो? ये लस्ट नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ये लस्ट है तो ठीक है, वो तुम्हें नजर नहीं आएगी, ना ही इस घर में और ना ही मेरी जिंदगी में। ये तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। आई डोंट गिव अ डैम। उसे रखना है रखो,
किसी और को रखना है रखो, 100 लड़कियां बदलो, क्रक्स ऑफ द मैटर इज मुनीब साहब, अब मैं किसी भी हाल में आपके साथ नहीं रहूंगी। डू यू गेट इट? एक बात तो सुन, कुछ नहीं सुनना आप मुनीब, मैं थक गई हूं, खुदा के लिए जाओ यहां से, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। नहीं, तुम्हें सुननी पड़ेगी मेरी बकवास, तुम्हें सुननी पड़ेगी, मैं तुमसे, क्योंकि झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं तुम्हारे साथ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारी खातिर किया है, तुम्हारे सुकून, तुम्हारे चैन, तुम्हारे आराम के लिए किया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम, मेरे बच्चे वहां सुकून और आराम से रह सको, तुम लोगों को किसी भी किस्म की कोई टेंशन ना हो, स्पेशली तुम्हें इस घर की कोई परेशानी ना हो, तुम्हें मेरे मां बाप की कोई टेंशन ना हो, तुम्हें कोई यहां से मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला फोन करके दो दो टके की बातें ना करे, कम से कम तुम्हें कोई ताना ना दे इस किस्म का कि तुम खुद तो वहां पे अय्याशी कर रही हो, तुम्हारे सास ससुर यहां पे बुरे हाल में। सिर्फ इसलिए किया मैंने ये सब, और मेरा कोई मकसद नहीं था, वो एडजस्ट हो गए थे उसके साथ, दे वर हैप्पी। फिर उसने मेरा ऑफिस संभाल लिया, मैं कंप्लीटली फ्री हो गया, मैं कह यार कम से कम अब मैं आराम से जाकर तुम लोगों के साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकूंगा, कोई टेंशन नहीं होगी मुझे दफ्तर की, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था मेरा, उसे एक परमानेंट शेल्टर चाहिए था और मुझे कोई ऐसा परमानेंट आदमी जो जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकूं और कम से कम वो मेरे मां बाप की खिदमत कर सके, किसम खुदा की इसके अलावा और कोई बात ही नहीं थी मेरी उसके साथ, कोई लव स्टोरी, कोई रोमांस, कोई अफेयर नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो, क्यों नहीं ट्रस्ट कर रही हो मेरे पे, कसम खा के बताओ तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हारी जगह ले सकता है? डू यू थिंक सो, कोई ले सकता है बताओ? मुनीब रात के सन्नाटे में सरगोशियां भी दूर दूर तक जाती हैं, मुझे चीखने पे मत मजबूर करो, जितनी बेइज्जती मेरी मेरे सामने हो गई ना, मैं नहीं चाहती औरों के सामने भी बेइज्जती हो। क्या बेइज्जती बता मुझे, मैं कौन सा कोई धूमधाम से ब्याह कर लाया हूं उसे इस घर में, निकाह के नाम पर खामोशी से एक एग्रीमेंट हुआ है हमारे दर, मैंने तो अभी उसको यह भी नहीं बताया था, तुम्हें इस सारी हकीकत का पता चल चुका है। जानती हो क्यों? ताकि तुम्हारे सामने उसकी हैसियत एक चोर की सी रहे, डरती रहे वो तुमसे, घबराती रहे तुमसे, क्योंकि ना तो वो कोई बीवी है और ना ही बिलावर, It's just a simple caretaker. That's it. वो तुम्हारी घर मौजूदगी में इस घर का ख्याल रखेगी बस, और जब तुम कनाडा से आओगी नहीं आएगी नजर तुम्हें वो इस घर, मैं वादा करता हूं नहीं नजर। कौन हो तुम? तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी इज्जत रखने का।
मेरी मदद करने का, बस थोड़ी सी मदद और करता। जिस खामोशी से उसके साथ निकाह किया हूं, उसी खामोशी के साथ अब मुझे तलाक दे दो, क्योंकि मैं भी अब तुम्हारे बच्चों की सिर्फ केयर टेकर बन के रहना चाहती हूं, ना तुम्हारी बीवी और ना ही बिलावर। मैंने सिर्फ वैसे बात की है मुनीब, जैसे दूसरी बीवी अपने शौहर की पहली बीवी के बारे में करती है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, चाहे हानिया तुम्हारी जिंदगी में हो या ना। मैं नहीं जानती कि उन दोनों के बीच क्या बात चल रही है। वो अपना घर चला रही है और मैं खामोश होकर बैठ जाऊँ। आप अपनी बीवी का इतना बड़ा ड्रामा मेरे खाते में मत डालें। उसके पास सारे सबूत मौजूद हैं हमारे रिश्ते के। पैसे कितने लिए तुमने इस काम को? जो भी थे पैसे खर्च हो गए, एक एक चीज का हिसाब लो। ये सब इकबाल के बच्चे की वजह से हुआ, इतना घटिया वार किया उसने मुझ पर। तुम कब्जा करके बैठ के हर चीज पर मालकन बन गए इस जिस्म की कीमत पर। या तुम मदद कौन सी।